ये देखिए, आज हम लोग फ्यूल की टेस्टिंग कर रहे हैं, एक डेमो बना रहे हैं हम लोग। इसके इस टंकी के अंदर 5 लीटर पेट्रोल डीजल है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और ये 5 लीटर। 5 लीटर डीजल भरा हुआ है इसके अंदर। और आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको 5 लीटर दिखाई देगा। ये देखिए 5 लीटर फ्यूल दिख रहा है। अब हम लोग इसमें से एक एक लीटर करके फ्यूल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर कम होता है कि नहीं होता है। हमने पहले से ही इस सेंसर को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो लीगो का सेंसर यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग वाला। और ये हम लोगों ने पाइप बनाई हुई है डेमो के पर्पज़ से। ये देखिए अभी भी इसमें 5 दिख रहा है। अब हम इसमें से फ्यूल निकालेंगे। ये हम लोगों ने निकालने के लिए बनाया हुआ है। मैंने इसको किया, हमने इसको पाइप को ओपन कर दिया है। अब इस पाइप के जरिए ये जो फ्यूल है इसमें वापस जा रहा है। ये देखिए इसमें से निकल रहा है और इसमें से धीरे धीरे कम होगा। ये देखिए कम होना शुरू हो गया, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए 1 लीटर होने वाला है कम। मैं अभी ये पाइप को यहाँ से बंद कर दूंगा जैसे ही 1 लीटर पे पहुँचेगा। ये पहुँच गया है, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। ये देखिए ये रुक गया है, 1 लीटर पेट्रोल इसके अंदर भर गया है। पेट्रोल नहीं, डीजल है। तो ये देखिए 4 लीटर पे पहुंच गया है डीजल। और हम लोग अगर ऐप में देखेंगे अब हम, तो ये देखिए 4 लीटर फ्यूल हो गया है यहाँ पे, 4 लीटर। अब हम ऐसे ही 1 लीटर और निकालेंगे और देखेंगे कि ये 3 लीटर पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। इसको हम लोग फ़ोन को रख देते हैं यहाँ पे और हम खोल देते हैं इसको वापस। ये हमने खोल दिया है और ये धीरे धीरे देखिए फिर से कम होने लग गया। अभी थोड़ा सा और कम हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसके आगे। ये देखिए ये पहुँचने वाला है 3 लीटर पे। ये 1, 2, 3, मैं इसको यहाँ से मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। और ये है फोन, इसमें अभी भी 4 लीटर दिख रहा है। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखेंगे कि ये 3 लीटर में बदल जाएगा। ये देखिए ये 3 लीटर फ्यूल है इसके अंदर। और हमारे ऐप में भी ये 3 लीटर में पहुंच गया है। ये देखिए 3 लीटर फ्यूल हो गया। अब हम अगला स्टेप करेंगे, हम 2 लीटर अब वापस से इसमें फिल करेंगे, तब हम देखते हैं ये 5 लीटर में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अब हम इसको फिल करेंगे वापस से। ये देखिए ये वापस से 5 लीटर पे पहुंच गया है। अब हम इसको अच्छे से सील कर देते हैं। ये देखिए 5 आ गया है, यहाँ पे फ्यूल आ गया है यहाँ पे 5 लीटर्स। और ये 5 पे है। ये जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये फिजियो का सॉफ्टवेयर है। और वेब पे देखिए इसमें भी आपको 5 लीटर दिखा रहा है यहाँ पे, ये 5 लीटर दिखा रहा है यहाँ पे देखिए। और जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं MT13। इसके अंदर डुअल एनालॉग का फीचर है, इसका मतलब है कि आप 2 टंकी कनेक्ट कर सकते हो एक साथ में। आप ये देख रहे हो कि आपको Analog 1, Analog 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सारा फ्यूल कैलिब्रेशन होता है और बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है इसका। इतने कम लीटर डीजल के अंदर भी हम लोगों ने इतने प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको। सो आप देख रहे हैं कि ये टैंक जो है 5 लीटर 6 लीटर का है, लेकिन हमने 5 लीटर पे टेस्ट किया है और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100 आ रही है। बिल्कुल आप देखेंगे हम लोगों ने 5 लीटर यूज़ किया और बिल्कुल 5 लीटर या 4 लीटर या 3 लीटर आया है उसमें।
ये देखिए, ये सिर्फ डेमो के लिए हम लोगों ने ये टावर बनाया है ताकि अच्छे से आप लोगों को इसका डेमो दे सके।